आज आम पढ़ा पे अभ्यास कार्य 8.4 यही अभ्यास कार्य पढ़ा पे डिस्काउंट विषय आम ओडिया कौच पे रिहाती बोली बुझेगा पे आरंभ करने पूर्व पे जदि तुम नुआकर आम चैनल को आसीच जी टू एन फिल को सब्सक्राइब कर पे मुझे पे भीष्म रठी मो सहित सोशल मीडिया भी तुम कनेक्ट हो पार पे आरंभ करने पे रिहाती कौन पे मैंने रिहाती आम पढ़ा जहाँ को आम इंग्राजी कौच पे डिस्काउंट बोली आम कौचु बुझीगला पे तो साधारण तो कौन करती पे दुकानी मैंने ग्राहक मान आकृष्ट करने से माने विभिन्न उपाय अवलंबन करुछंती आजिकल से माने कौन करुछंती कि पिले से माने दुईटी जिनिसर मूल्यर दाम रे तीनोटी जिनिस को बिक्री कर दउछंती एवं आउ कौन करुछंती पिले आउ से माने लिखित मूल्य ठारु जहाँ लेखाई छि पिले सेई लिखित मूल्य ठारु कम दर रे पर्वपर्वाणी रे बिक्री कर दउछंती दुकान सामना रे कौन लगुछंती पिले से माने लेखुछंती रिहाती रे बिक्री रिहाती रे बिक्री बोली गोटे बोर्ड रखि दउछंती बुझीला पिले तो एठी आमे जानिलु पिले जे लिखित मूल्य रु जेते कम दर रे बिक्री करा जाय ताहाकु आमे रिहाती बोली कहउछु बुझीला पिले कौन पिले लिखित मूल्य रु एठी जदि मु लेखिबि पिले लिखित मूल्य रु जेते कम दर रे जेते कम दर रे बिक्री करा जाए ताहाको रिहाती कुआ जाए बा डिस्काउंट बोली कुआ जाए पिले बुझीला पिले तो मनेकर मुझे गोटे उदाहरण देवी तुम मानक पिले एटा मनेकर है गोटे शार्टर पैकेट एवं यार दाम हो पिले मनेकर 250 रुपीज बुझीला पिले तो से दुकानी कौन करुच पिले से दुकानी कौन करुच्छी डिस्काउंट रे देवाई चाहूँ रिहाती रे देवाई चाहूँ तेणुक से कौन करुच्चे से ही शार्टर पैकेट टी को से ही शार्टर पैकेट टी को से केते टंगारे बिक्री कर दौर पिले 200 रुपीज रे बिक्री कर दौर बुझीला पिले शार्टर पैकेट रे लेखा हो 250 रुपीज बुझेला पिले एटा होची लिखित मूल्य एवं एटा होची बिक्री मूल्य एटा होची बिक्री मूल्य तो एठी तुम्हें देखिलो पिले जे लिखित मूल्य रु जेते कम दर रे बिक्री करा जाए ताहाको हमें रियाते बोली कहछु केते कम दर रे बिक्री करा जाए पिले एठी एठी 50 टंका कम रे बिक्री करा जाए तेणु करी एठी रियाती केते पिले एठी रियाती होची पिले 50 रुपीज बुझेगा पिले एवं ये जो रिहाती आम पाचु पिले आम केमी पाइल पिले जदि आम एटी फर्मूला जब देखा पिले सूत्र जदि देखा तो रिहाती इक्वल टू कौन हम पिले रिहाती इक्वल टू हे लिखित मूल्य बुझेगा पिले लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यहीटा हूँ पिले सूत्र ये बुझेगा पिले एवं रिहाती को आम कौन बोली कौच पिले रिहाती को आम डिस्काउंट बोली कौच तो डिस्काउंट इक्वल टू कौन हो पिले लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिखित मूल्य को आम कौच पिले मार्क्ड प्राइस बुझेगा पिले मार्क्ड प्राइस बोली आम कौच माइनस विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोले तुम्हें तो जाच आगर सेलिंग प्राइस तो डिस्काउंट इक्वल टू कौन हो पिले मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बोली बुझीला पिले एवं आउ गोटे कथा पिले रिहाती को आम साधारणतः वस्तुर लिखित मूल्यर शतकड़ा रूपे प्रकाश करा जाए आम कौन करू पिले आम रिहाती को सबुबले रिहाती को आम कौन करिबा पिले आम लिखित मूल्यर शतकड़ा रूपे प्रकाश करा जाए लिखित मूल्यर शतकड़ा लिखित मूल्यर शतकड़ा रूपे प्रकाश करा जाए बुझीला
लिखित मूल्य शतकड़ा रूपे प्रकाश करा जाए। तो जिते बेले भी आम रिहाती शतकड़ा निर्णय करवा पे आम कहार ना पे आम लिखित मूल्य ही सर्वदा नेबा पे बुझेगा पे। तो ये जदि तुम शतकड़ा रिहाती निर्णय करने चाहू शतकड़ा रिहाती इक्वल टू कौन हो पे रिहाती बाय कौन पे लिखित मूल्य गुणन 100 एटा हो पे शतकड़ा रिहाती सूत्र बुझेगा पे। ये दुईटी फर्मूलू आम कौन करवा पे आम अभ्यास कार्य बहुत इजी उपाय करवा पे। तो कौन कौन सब पढ़ल पे आम पढ़ल पे जहाँ जहाँ आम पढ़ल मुझे लिखी दौर पे रिहाती आम पढ़ल और रिहाती फर्मूला कौन है पे ये आम देख लु जे लिखित मूल्य सूचित मूल्य बोली भी कह जाए पे कौन बोली भी कहीपर पे आम सूचित मूल्य बोली भी कहीपर लिखित मूल्य को लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यहीटा हूँ पे रिहाती फॉर्मूला बुझेगा पे। ये गोटे आम पढ़ी पे एवं यह आम आउ अलग हिसाब से भी लिखिपर पे कौन लिखिपर पे यह जो तुम लिखा चाहूच लिखित मूल्य इक्वल टू कौन हम पे रिहाती प्लस विक्रय मूल्य रिहाती प्लस विक्रय मूल्य आम लिखिपर पे एवं जदि तुम विक्रय मूल्य लिखा चाहूच विक्रय मूल्य कह कौन हो पे विक्रय मूल्य इक्वल टू लिखित मूल्य माइनस रिहाती बुझेगा पे। यही फर्मूला पे आम व्यवहार करवा अभ्यास कार्य बुझेगा। एवं आउ गोटे फर्मूला रही जहाँ को आम कौच पे शतकड़ा रिहाती बोली तो शतकड़ा रिहाती इक्वल टू कौन हम पे रिहाती बाय लिखित मूल्य गुणन 100 बुझेगा पे। यहीटा हूँ पे शतकड़ा रिहाती सूत्र यहीटा हूँ शतकड़ा रिहाती सूत्र एते जदि आम फर्मूला सूत्र आम मन रखीद पे आमको 8.4 करने कि भी असुविधा हेबना पे ठीक अच्छे पे। तेब पे आरंभ करवा अभ्यास कार्य 8.4 प्रथम नंबर आम पाच पे जड़े दुकानी रिहाती दर में विभिन्न वस्तु को बिक्री करें कहीं तुम्हें जहाँ भावुच से गुड़ी को लेख। तो जड़े दुकानी कौन कर रिहाती दर में विभिन्न वस्तु को बिक्री करुँ तो आम कहीं बिक्री करूँ रिहाती दर में आम जहाँ भावुचु पे से लिखा। तो प्रथम कथा है तुम भी भावु पे ये आम ग्राहक मानक आकृष्ट करने रिहाती दर में आम वस्तु को बिक्री कर तो सही आम लिखिद पे ग्राहक मानक आकृष्ट करने ग्राहक मानक आकृष्ट करने आकृष्ट करने बुझेगा पे। यहाँ गोटे पॉइंट पे आउ सेकेंड पॉइंट कौन पे जिते बेले ग्राहक मैंने आकृष्ट हो पे से कौन हम पे अधिक बिक्री हम पे से अधिक ये मुझे लिखिद पे अधिक आकृष्ट हेले अधिक आकृष्ट हेले अधिक विक्रय हम तापर कौन पे अधिक विक्रय हेले अधिक लाभ हेब तेणुक कौन हुए पे तेणुक जड़े दुकानी रिहाती दर में विभिन्न वस्तु को बिक्री करता है यहाँ हूँ पे तार कारण गुड़िकपर जा पे नंबर टू प्रश्न तुम देख पार पे छोट पा लगी गोटे सैकेल लिखित मूल्य अच्छे 1680 टाँह दशहरा उपलक्षे दशहरा पूजा उपलक्षे पे
साइकिल टी को दुकानी 20% रिहाती दाम बिक्री करने को स्थिर कले बेले तेरे जड़े ग्राहक को से साइकिल टी किनवाई के मूल्य देवाक पड़ो तो पे तुम्हें देखिपुर साइकिल लिखित मूल्य दिखाई तो मुझे लिखी दूसरी पे सही साइकिल लिखित मूल्य साइकिल लिखित मूल्य कत अच्छी पे अच्छी पे 1680 टाँचा बुझेगा पे 1680 टाँचा अच्छे तापर कौन है बोले तापर रिहाती दिखाई बोले रिहाती के दिखाई बोले रिहाती दिखाई 20% दिखाई तो आम ये कौन करवा बोले आम ये विक्रय मूल्य निर्णय करार अच्छे तो आम प्रथम कौन करवा बोले रिहाती निर्णय करवा रिहाती के 20% कहार 20% पे 1680 रो 20% तो यहाँ 1680 पे रे इंटू पे 20% बोले 2500 ये कौन हम पे ए जीरो सांगे ए जीरो कैनसल हो पे ए जीरो सांगे ए जीरो कैनसल हो तो जहाँ रही है पे से 168 इंटू 2 पे एवं यू जब मल्टीप्लाई करवा गुणन करवा कौन हम पे 2 8 16 पे 2 6 12 एंड 1 13 2 1 2 एंड 1 3 तो रिहाती है पे 336 टंका तापर कौन करवा पे आम एटी आमको विक्रय मूल्य निर्णय करार अच्छे विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य आम कमी निर्णय करवा पे आम कौन करवा पे लिखित मूल्य रु आम जदि लिखित मूल्य रु आम रिहाती को वियोग करवा तेबे जाइकि आमको विक्रय मूल्य मिल लिखित मूल्य के लिखित मूल्य अच्छे पे 1680 टंका रिहाती के 336 रुपीज तो इक्वल टू के हम पे 10 रु 6 गले के हम पे 4 तापर अच्छी पे ये 7 7 रु 3 गले के हम पे यहीटा हो पे 4 तापर ये के 6 अच्छी पे 6 रु 3 गले के 3 हो बुझेगा पे 1 अच्छी 1 तो विक्रय मूल्य के 1344 टंका तेज जड़े ग्राहक को से साइकिल किनवाई के मूल्य देवाक पड़ो पे तेज ग्राहक को से साइकिल किनवाई लिखिदेव तुम्हें अत्य उत्तर लिखिक लिखिदेव जे जड़े ग्राहक को साइकिल किनवाई के मूल्य टी देवाक पड़ो पे 1344 टंका देवाक पड़ो बुझीगला पे तापर जी पे आम नंबर 3 को नंबर 3 तुम देखिपर थे प्रश्न अच्छे पे गोटे फ्रक्र सूचित मूल्य सूचित पे लिखित मूल्य पे 250 टंका दुकान रे थिबा पोशाक गुड़ी को शीघ्र बिक्री करदेवा लगी पे दुकानी दाम को कमाई देला पे एवं से फ्रक को 210 टंका रे बिक्री कला तेबे शतकड़ा केते रिहाती देले आमे निर्णय एठी करिबा पे तो एठी तुम्हें देखि पारु थिबो सूचित मूल्य दिछे फ्रक्र बुझेला पे फ्रक्र सूचित पे कौन पे लिखित मूल्य दिछे पे 250 टंका बुझीगला पे आउ कौन दे पे आउ दे पे बिक्री मूल्य दे फ्रक्र फ्रक्र विक्रय मूल्य दे पे फ्रक्र विक्रय मूल्य दे पे 210 टंका बुझीगला पे तेरे शतकड़ा के रिहाती दे तेज आमको ये कौन निर्णय करार अच्छे पे आमको ये निर्णय करार अच्छे पे रिहाती तो रिहाती इक्वल टू कौन पे रिहाती इक्वल टू लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बुझेगा पे तो लिखित मूल्य के लिखित मूल्य अच्छे पे 250 टंका बचे विक्रय मूल्य के 210 टंका तो 250 रु 210 आम काटिद पे के हेल्प पे 40 टंका हो पे तो आमको कौन निर्णय करार अच्छे पे आमको शतकड़ा रिहाती निर्णय करार अच्छे तो शतकड़ा रिहाती के पे शतकड़ा रिहाती इक्वल टू फॉर्मूला कौन पे रिहाती बाय लिखित मूल्य गुणन 100 यहाँ हूँ सूत्र पे तो कौन हम पे ये शतकड़ा रिहाती इक्वल टू यहाँ हो पे रिहाती बाय लिखित मूल्य अच्छे रिहाती के 40 लिखित मूल्य के पे लिखित मूल्य अच्छे पे 250 टंका बुझेगा पे इंटू 100
ଏଇଟା 250 ପିଲେ ତମେ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଇ ଜିରୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିରୋ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ପିଲେ ଏଠି ଫାଇଭରେ କଟିବ ପିଲେ ଏଠି ଫାଇଭ ଫାଇଭ ଯା 25 ପିଲେ ଫାଇଭ ଏଇଟ୍ ଯା 40 ପିଲେ ତାପରେ ଏଠି କଟିବ ପିଲେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫାଇଭ ଟୁ ଯା 10 ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ 8 ଇନ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେବ ପିଲେ 16 ତ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 16% ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଆମେ ନମ୍ବର ଫୋର୍କୁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଉଛୁ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ଦିଆହେଇଛି 8 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାର ତିନୋଟି କଲମ କିଣିଲେ 10% ରିହାତି ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଦୋକାନୀ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ ତେବେ ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦର କେତେ ହେବ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣା ଦେଇଛି ଆମେ ତାହା ଲେଖିଦେବା ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ଦେଇଛି ପିଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପିଲେ 8 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲା ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ପିଲେ 8 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାର ତିନୋଟି କଲମ କିଣିଲେ ଆମେ ଯଦି ତିନୋଟି କଲମ କିଣିବା ପିଲେ ତିନୋଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ହେବ ପିଲେ ତିନୋଟି କଲମର ଦାମ ହେଇଯିବ ପିଲେ 8 × 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 24 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ପିଲେ ତ ଆମେ ଯଦି ତିନୋଟି କଲମ କିଣିବା ପିଲେ ଆମକୁ ରିହାତି କେତେ ଦେବ ପିଲେ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ ରିହାତି ଏଠି ମିଳିଯିବ ପିଲେ ରିହାତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମିଳିଯିବ ପିଲେ ଆମକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲେ 10% ପିଲେ ତ ଏଠି ଆମକୁ 10% ରିହାତି ମିଳିଯିବ ପିଲେ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ତେବେ ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦର କେତେ ହେବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରିହାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପିଲେ ରିହାତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ ଆମକୁ ରିହାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ତ କାହାର 10% ପିଲେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ଦେଇଥିଲା ପିଲେ 8 ଟଙ୍କା ଆଉ ତିନିଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ପିଲେ 24 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆମେ 24 ଟଙ୍କାର ଆମେ ଯଦି କଲମ କିଣିବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ 10% ମିଳିବ ପିଲେ ଏଠି ତେଣୁକରି ଏଠି କାହାର 10% 24 ରୁପିଜ୍ର 24ର 10% ଆମକୁ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ 24 × 10/100 ବୁଝିହେଲା ପିଲେ 24 × 10/100 ତ ଏଇ ଜିରୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିରୋ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ରହିଯିବ ପିଲେ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା 2ରେ କଟିଯାଉଛି ପିଲେ 2 1 ଯା 2 2 2 ଯା 4 2 5 ଯା 10 ପିଲେ ତ ରହିଲା କ'ଣ ପିଲେ 12/5 ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ପିଲେ 5 2 ଯା 10 ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ 5 4 ଯା 20 ତ ଏଠି ରିହାତି ହେବ ପିଲେ 2.4 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ତିନୋଟି କଲମର ବିକ୍ରି ଦର ପିଲେ ତ ବିକ୍ରି ଦର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ବିକ୍ରି ଦର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ବା କଲମର ଦାମରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ରିହାତି କାଟିଦେବା ତ ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ ବିକ୍ରି ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି କଲମର ଦାମ ମାଇନସ୍ ରିହାତି ତିନୋଟି ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ପିଲେ ତିନୋଟି କଲମର ଦାମ ମାଇନସ୍ ରିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଯେତେ ଦାମ ଅଛି ପିଲେ ରିହାତିକୁ ତ ଆମକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ତିନୋଟି କଲମର ଦାମ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ ଏଠି 24 ଟଙ୍କା ପିଲେ ଏବଂ ରିହାତି କେତେ ପିଲେ 2.4 ଆଉ 24ରୁ 24.0 ପିଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ପିଲେ ଆମକୁ 2.4 ବିୟୋଗ କରିବା ଅଛି ତ 10ରୁ 4 ବୋଲେ କେତେ ପିଲେ 6 ଅଛି ପିଲେ ଏଠି 3ରୁ 2 ବୋଲେ କେତେ ପିଲେ 1 ହେବ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ 21.6 ଟଙ୍କା ବୁଝିହେଲା ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ 21.6 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ନମ୍ବର ଫାଇଭର ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ ବୁଝିହେଲା ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ ଦିଆହେଇଛି 120 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବେଳେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମରେ 4ଟି ବାଲ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଦୋକାନୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ତମେ ଯଦି 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମ ଦେଇଦେବ କେତୋଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମ ଦେଇଦେବ ବୋଲେ 3ଟି ବାଲ୍ଟିର ଦାମ ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ତୁମକୁ 4ଟି ବାଲ୍ଟି ଦେବା ଲାଗି ଦୋକାନୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲେଖିଥିଲା ପିଲେ ତେବେ ଏଇ ସୁବିଧା ନେଇ କ'ଣ କରିଛି ବୋଲେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 3ଟି ବାଲ୍ଟି କିଣିଦେଲା ତ ସେ ରିହାତି ପାଇବ କି ନାହିଁ ପିଲେ ସେ ରିହାତି ପାଇବ କାହିଁକି 3ଟି ବାଲ୍ଟି କିଣିଲେ 4ଟି ବାଲ୍ଟି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁକରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରିହାତି ପାଇବ ତ କ'ଣ ରିହାତି ପାଇବ ସେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ପାଇଲା ସେଇଟା ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିର ଲିଖିତ ଦାମ ଦେଇଛି ପିଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ
बाल्टीर लिखित मूल्य दिया है बोले 120 टंका बुझेगा बोले 120 टंका दिया प्रदर्शनी बोले जन दुकानी तीनोटी बाल्टीर दाम तो तीनोटी बाल्टीर दाम के बोले आम निर्णय करदे तीनोटी बाल्टीर दाम के बोले 120 इंटू 3 हो बोले तो यही हो बोले 360 टंका बुझेगा बोले तो सहीपरी आम जो चारोटी बाल्टीर दाम कि बोले चारोटी बाल्टीर दाम हो तो बोले 120 इंटू 4 हो बोले तो यही हो बोले 480 टंका बुझेगा बोले तो दुकानी कौन करे तीनोटी बाल्टीर दाम दे से केतोटी पाई बोले से चारोटी पाई तार अर्थात बोले ये तो जी तुम्हें देख पे लिखित तो केते अच्छी बोले जदि टोटाल आम देखा ये पे 480 टाँग बुझेगा बोले तो ठीक कर लिखिद मुझे तो कौन है बोले टोटाल दाम अच्छे बोले 480 टाँह किंतु से 360 टाँह देक नौ बुझेगा बोले कहीं चार्टी बाल्टी नब से तीन टी किले से तीनोटी बाल्टी किणव जदि ताको चारोटी बाल्टी मिलजिव तेणुक चारोटी बाल्टीर दाम के बोले 480 टाँह तो 480 टाँह जगह से कते दौर बोले से 360 टाँह दौर तो 480 रुपीज जगार से 360 रुपीज दौर तो 480 को आम कौन बोली भाव बोले एठारे आम लिखित मूल्य बोली भाविबा तो एठारे लिखित मूल्य केते हिजो बोले एठारे लिखित मूल्य हिजो 480 टाँह बुझेगा बोले एवं एठी जदि आम देखा विक्रय मूल्य केते हिजो बोले विक्रय मूल्य हिजो बोले 360 टाँह हिजो बुझेगा बोले तो एठी रिहाती केते बोले रिहाती पाइबापी आमको कौन करने पड़े बोले आमको विक्रय मूल्य बुझेगा बोले विक्रय मूल्य माइनस लिखित मूल्य करने को पड़ तो विक्रय मूल्य के दिखाई बोले सरी बोले लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करने को पड़ कौन करने को पड़ लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करने को पड़ तो ये लिखित लिखिद बोले ये लिखिद विक्रित मूल्य तो लिखित मूल्य के 480 माइनस विक्रय मूल्य के 360 आउ एटा को जदि आम वियोग करबा पले हम केते पाइबा पले 40 रु गले 0 पले 0 रु गले 0 पले 0 रु 0 गले 0 पले 8 रु 6 गले केते हो पले 2 हो पले 4 रु 3 गले केते हो पले 1 हो पले तो रिहाती केते हि गला पले 120 हमको कोन निर्णय करबार छि हमको शतकड़ा रिहाती निर्णय करबार छि तो ये आमको कौन निर्णय करार अच्छे शतकड़ा रिहाती तो केते हो पहले रिहाती बाय लिखित मूल्य पहले गुणन 100 यहाँ फर्मूला पहले तो हमें ये जब लिखा पहले हमें कौन पाइबा रिहाती केते अच्छे बोले 120 अच्छे लिखित मूल्य केते अच्छे बोले लिखित मूल्य ये तुम देख पार 480 टाँह अच्छे बोले गुणन 100 हो बोले तो ये कौन हम बोले ए जीरो सांगे ए जीरो को आम काटिद बोले एवं 12 वन जा 12 पे 12 4 जा 48 12 कटुचे बोले ए 4 सांगे ये कटिब बोले 25 तो कैत हो बोले ये हो 1 × 25 ये बोले 25% होटा हूँ बोले उत्तर तापर पे नंबर 6 नंबर 6 प्रश्न तुम्हें देख पार बोले जात्रा पड़िया गोटे दुकान रे 80 टंका लिखित मूल्यर गोटे स्कूल बैग को 15% रियाती रे बिक्री होने एक दुकानी 90 टंका मूल्य लेखा थी बैग को 22% रियाती रे बिक्री करा जाउतिला सीमा गोटे बैग किणवा पिले हिसाब करी कह क्यों दुकान रु बैग किणिले केते मूल्य देवाक पड़ो एठी तुम देखि पारथबो दुईटा दुकान अछि पिले प्रथम दुकान और द्वितीय दुकान तो प्रथम दुकान रे लिखित मूल्य अछि 80 टंका पिले एवं रियाती अछि 15% एसी ये पे द्वितीय दुकान रे 90 रुपीज अच्छे लिखित मूल्य आउ रिहाती अच्छे 22% तो आम निर्णय कर पे ये तो प्रथम मुझे कौन कर दुई भाग भाग कर दूसरी यहाँ हूँ प्रथम दुकान बोले प्रथम दुकान बुझेगा बोले यहाँ हूँ द्वितीय दुकान
ବୁଝିଲା ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦୋକାନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନ। ତ ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ 80 ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲା ପିଲେ। ଏବଂ ରିହାତି କେତେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ? ରିହାତି ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ 15%। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ରିହାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ରିହାତି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 80ର 15%। ତ 80 × 15/100 ହେଇଯିବ। ଏହି ଜିରୋ ଜାରେ ଏହି ଜିରୋ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଏବଂ 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ 8 × 8 ସାଙ୍ଗରେ କଟିଯିବ, 2 × 4 = 8 ହେଇଯିବ। ଏବଂ 8 ହେଇଯିବ ପିଲେ 4 × 3 = 12, 12 ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତ ରିହାତି ବାହାରିଗଲା ପିଲେ, ଆମକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ରିହାତି, ବୁଝିଲା। ତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ରିହାତିକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? 80 ରୁପିଜ୍ ଅଛି। ରିହାତି କେତେ ହେବ ପିଲେ? ରିହାତି ଅଛି 12। ତ 80ରୁ ଆମେ ଯଦି 12 କାଟିଦେବା ପିଲେ ଆମକୁ ପାଇବା 68, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଯଦି ସୀମା ଯଦି କିଣିବା ପିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦୋକାନରେ ସୀମା କିଣିଲେ ତାକୁ 68 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନକୁ ପିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ? 90 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଏବଂ ରିହାତି କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ? ରିହାତି ଦେଇଛି ପିଲେ 22% ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ରିହାତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ରିହାତି କାହାର 22% ପିଲେ? 90ର 22% ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ 90 × 22/100। ଏଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଜିରୋ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିରୋ କଟିଯାଉଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା 2ରେ କଟୁଛି ପିଲେ, 2 11ରେ ଅଛି, 2 5ରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ, 9 × 11/5। ତ 99/5 ହେଉଛି ପିଲେ ଏଇଟା। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ ପରିଣତ କରିବା, 5 1 = 5 ପିଲେ, ଦେନ୍ 5 9 = 45 ପିଲେ, 5 8 = 40, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ଆମକୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ରିହାତି, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ, ରିହାତି। ତ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି ପିଲେ? ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 90 ଅଛି। ରିହାତି କେତେ ହେବ ପିଲେ? 19.8। ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, 90ରୁ ଆମେ 19.8 ବିୟୋଗ କରିବା, ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ପିଲେ। 90ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, 19.8 ବିୟୋଗ କରିବା। ତ 10ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 2 ହେବ ପିଲେ। ଏଠି 9 ଅଛି ପିଲେ, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0 ପିଲେ। ଏଠି 8 ଅଛି ପିଲେ, 8ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 70। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ 70.2 ଟଙ୍କା। ତ ସୀମା ଏଇ ଦୋକାନରେ କିଣିଲେ ତାକୁ 70 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମିନ୍ସ 70.2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ।